वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ की संस्कृति मजबूत है, हमेशा यहाँ की संस्कृति ने, यहाँ की राजनीति ने देश को दिशा दिखाई। काबिलियत बहुत है। तो आज उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये परिस्थितियां क्यों हैं कि जनता गरीब से और भी गरीब हो रही है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मेरी बहनें बैठी हैं, काफी समय से इंतजार कर रही हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है बताओ? महंगाई, महंगाई है। कड़वा तेल आपको कितने का मिलता है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल की क्या दाम है आज? आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिला? चलिए आपको मिला ही नहीं। अगर आप खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? भर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आज दुकानों में जाए तो कुछ भी खरीदने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, सही बात है? आप खेती में मेहनत कर रही हैं। कल रात को मैं अमेठी में थी, मैं एक गांव में चली गई, सलोन जिले में, सलोन विधानसभा में एक गांव है। रात हो रही थी, 8-9 बजे थे, मैं गांव के अंदर चली गई। जैसे मैं अंदर जा रही थी, मैंने देखा कि एक महिला खेतों की तरफ एक अपने नाती को ले जाके चल रही थी। तो मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहा, खेतों में जा रही हूं। मैंने कहा, इस समय? कहा, छुट्टा जानवर है दीदी, चौकीदारी करने जा रहे हैं हम, सही? आप इतने नौजवान खड़े हैं, पिछले 5 सालों में किसको रोजगार मिला है सरकार से? कोई हाथ उठाए? नहीं मिला? एक तो होगा, कोई एक तो होगा, नहीं है? तो देखिए, ये स्थिति है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, छुट्टा जानवर आपके खेत खाया जा रहा है। किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसान भाई खूब सारे होंगे यहाँ, आपको अपने उपज का दाम नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिलती, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं आप। पेट्रोल डीजल के दाम से सबसे ज्यादा मुसीबत किसको होती है? किसानों को होती है। ये पूरे बाजार का इलाका है, इसमें छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी होंगे, इनके साथ क्या हुआ? पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी लगाई गई, फिर कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तमाम बिजनेस, छोटे कारोबार बंद होने के कगार पे हो गए। कोई राहत मिली सरकार से? यहाँ पे मेरे बुनकर भाई बहन हैं, आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में एक स्पेशल पैकेज आया था, आज है? आपके लिए सरकार ने कोई पैकेज बनाया? नहीं बनाया। तो प्रदेश की असलियत आपके सामने है, मैं खुद नहीं कह रही हूं, आपसे पूछा, आपने जवाब दिया, आप जान रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सुबह मेरी बहनें उठती हैं, खेतों में काम करती हैं, घर आती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, जानवरों का देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं, फिर खेतों में सुबह सुबह जाना पड़ता है छुट्टे जानवर से रखवाली करने के लिए। कितनी मेहनत करेंगी? क्या कोई राहत, कोई समर्थन नहीं मिलेगा सरकार से? मेरे नौजवान यहाँ भाई खड़े हैं, आप भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा के बाद, 3-3, 4-4 साल आप नियुक्ति के लिए इंतजार करते हैं, वहां पता चला कि 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं 5-5 साल से। कोई आपकी सुनवाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कोई सुनवाई नहीं है, परेशानियों और मुसीबतों से जिंदगी भरी हुई है। तो राजनीति का मकसद क्या होता है? ये जो नेता सब बैठे हैं मंच पे आपके सामने,
इनको नेता क्यों बनाया जाता है? राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म, राजनीति में जो नेता होता है उसका सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? आपकी सेवा करना, यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए, और यहाँ जो सत्ता में आता है वो आपको दबाता है, आपके भ्रष्टाचार का सामना आप करते हैं, महंगाई का सामना आप करते हैं, बेरोजगारी का सामना आप कर रहे हैं, किसान अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, बुनकर अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, श्रमिक अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं है। उल्टा जब आप आवाज उठाते हैं तो आपको दबाया जाता है, दमन किया जाता है, तो ये लोकतंत्र भी नहीं है। तो कैसी राजनीति चल रही है प्रदेश में, मैं आपको समझाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो आपसे वोट धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर मांगेंगे, ठीक है? क्यों? क्यों? इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने काम नहीं किया। जब आपकी समस्याएं होती हैं तो ना सरकार उनको सुलझाने का काम करती है, और ना बसपा के नेता, समाजवादी के नेता आपके पास आते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उन्नाव में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, क्या अखिलेश यादव जी बाहर आए? क्या गए वहां पे, संघर्ष किया, आंदोलन किया कि न्याय मिलना चाहिए? नहीं। आपने परीक्षाएं दी नौजवानों ने, आपने जब आंदोलन किया इलाहाबाद में और अन्य शहरों में, आपको मारा पीटा गया, तमाम धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई, करियर बर्बाद हो गए बहुत बच्चों के, क्या समाजवादी दल के नेता या बसपा के नेता अपने घर से बाहर आए? कोरोना हुआ, लॉकडाउन में तमाम जो प्रवासी श्रमिक थे, मजदूर थे, जो दिल्ली गए हुए थे काम करने के लिए, जो नौकरियां वहां करते हैं, उनको भाजपा की सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। क्या समाजवादी दलों के नेताओं ने, क्या उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने आपकी मदद की? नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने वापस आने का इंतजाम किया, यहां तक कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मदद करके पाप किया। वो कह रहे हैं हमने मदद की, आपको घर पहुंचाया, जहां जहां आप पैदल आ रहे थे वहां लंगर लगाए, कोरोना आया दवाइयां बंटवाई, ऑक्सीजन का इंतजाम कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन समाजवादी दल, बसपा के नेता दिखे ही नहीं, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता सब घर में दुबके हुए थे। CANRC में क्या हुआ? दुबके रहे अपने घर में, बाहर नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए 3 सालों से संघर्ष किया। अब ये पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? ये विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपके हित में काम नहीं करना चाहती। वो जानती हैं कि चुनाव के समय जब धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगेंगी, आप दे दोगे आंख मूंद कर, आपने बुरी आदत डाल दी। भाजपा भी वही चीज जानती है। भाजपा की सरकार है, आज कुछ भी कर सकती थी। 5 सालों से सरकार है, 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे हैं। आज कह रहे हैं कि हमने 4 लाख पद के एप्लीकेशन खुलवाए और रोजगार देंगे। भाई 5 साल से क्यों नहीं किया? आज हवाई अड्डों के शिलान्यास हो रहे हैं, 5 सालों से क्यों नहीं किए? अब तक तो हवाई अड्डे तैयार हो जाते। आज कह रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अचानक महिलाएं याद आ गई इनको, कह रहे कि महिलाओं के लिए हम सारी योजनाएं बनाएंगे, महिलाओं को हम पैसे भेजेंगे खाते में, महिलाओं के लिए हम मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे। आज क्योंकि चुनाव आया है, 5 सालों से सरकार थी, भैया कहां थे आप? क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो जब कुछ किया ही नहीं है और ना कुछ करने का इरादा है,
तब स्पष्ट है कि आप आकर धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, लोगों के जज्बातों को उभारोगे और उस समय वोट ले लोगे उनसे चुनाव के समय। अब ये बहुत बुरी आदत हो गई है, सालों से चल रही है उत्तर प्रदेश में। पहले आपने जाति के आधार पर बसपा को जिताया था, फिर आपने जाति और धर्म के आधार पर समाजवादी को जिताया, फिर आपने भाजपा को जिताया धर्म के आधार पर। आपको क्या मिला, क्या मिला मैं जानना चाहती हूं। रोजगार मिले, महंगाई कम हुई, किसानों को कोई सुविधा मिली, कोरोना आया सेहत की सुविधाएं मिली। आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, किस लिए, किस लिए? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने एक बुरा राशन दिलवा दिया, भाजपा ने खाते खुलवा दिए, उसमें थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिए। वाह 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 वाह, 5 सालों में इतना काम कर लिया कि एक बोरे राशन पर आपने पूरे पब्लिक को निर्भर बना दिया। आपने गरीब रखा है लोगों को जानबूझ के। आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप बेरोजगार रहोगे। आप नौजवान हो, आप में ऊर्जा है, आप में गुस्सा चढ़ेगा, आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, इसलिए आपको फुसलाना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब आपके सामने धर्म की बात होगी और जाति की बात होगी तो आपके आपके जो जज्बात है उनके आधार पर आप वोट दे दोगे। आप पढ़ोगे लिखोगे, सशक्त बनोगे, कमाओगे, घर पे अपनी कमाई लाओगे, माँ बाप का देखभाल करोगे, परिवार का देखभाल करोगे, तो कौन आपको फुसलाएगा जी? आप उनसे पूछोगे विकास कहाँ है, क्या किया है तुमने हमारे लिए। वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जानबूझ के जनता को गरीब रखा जा रहा है, जानबूझ के इस देश की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी वो संस्थाएं हैं जिससे रोजगार पैदा होते थे, BHEL, HAL, NTPC, रेलवेज, नाम लीजिए, जानबूझ के उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। आज 2 ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो पूरी मीडिया को चलाते हैं, जो पूरी सरकार को चलाते हैं, जिनके पैसों से सरकार चल रही है और पूरी देश की संपत्ति उनको बेची जा रही है। रोजगार कहां से आएंगे? दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को तो आपने खत्म कर दिया, जो ये छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट होते हैं, छोटे बिजनेस वाले होते हैं, यही तो रोजगार दिलवाते हैं। किसानी में कितना रोजगार है, आपने तो उनको भी खत्म कर दिया किसानों को। आपकी पद खाली पड़े हैं, आप वो भी नहीं दे रहे हैं। तो जहां से रोजगार आना था उसको तो तुम, उस साधन को तो आपने बंद ही कर दिया, वो तो सारा बिक रहा है आपके दोस्तों को, तो रोजगार कहां से दोगे? तो मंच पे खड़े होकर ये कहने का क्या मतलब है कि हम 25 लाख 70 लाख रोजगार दिलवाएंगे? झूठ है, नहीं दिलवाया, 5 सालों से नहीं दिलवाया। तो स्थिति यह है कि किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, जानबूझ के आपको गरीब रखा जा रहा है। और समझ लीजिए, ये तीनों पार्टियां एक बिसात पर खेल रही हैं, तीनों पार्टियां आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर रही हैं। इनसे कोई विकास नहीं आने वाला है, इनसे आपके जीवन नहीं सुधरेंगे, इनसे सिर्फ और सिर्फ इनके नेताओं के जीवन सुधरेंगे, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के जीवन सुधरेंगे और इन्हीं का विकास होगा। वरना उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जहां से तमाम स्वतंत्रता सेनानी आए, बड़े बड़े नेता आए, तमाम देश के प्रधानमंत्री यहां से उभरे, यहां की राजनीति इतनी मजबूत थी, यहां का विकास सबसे पहले होना चाहिए था। ये प्रदेश इस देश को दिशा दिखाने वाला प्रदेश है और आज गरीबी से भरा हुआ है। आज परिस्थिति यह है कि किसी के घर में जाओ कहता है कि मेरी तरक्की हुई नहीं, 5 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से बस यही राजनीति चल रही है, तो कैसे बदलाव आएगा? अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे, अगर आप हर चुनाव में आंखें मूंद कर अपने धर्म के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे, तो आपका प्रदेश ऐसा का ऐसा रहेगा। आपको इस खाई में से कोई नहीं निकाल पाएगा जिसके अंदर आपको जानबूझ के डाला गया है ताकि ये लोग फूले फले आगे बढ़ें, आप गरीब रहें,
आप असुरक्षित रहें, आप सशक्त नहीं हो, क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आप असुरक्षित रहेंगे, जब तक आपके लिए कोई ऐसे साधन और संसाधन नहीं बनाए जाएंगे जिससे आप आगे बढ़ पाए, तब तक आप इस धर्म और जाति की जाल में फंसे रहेंगे। ये सच्चाई है इस प्रदेश की। आज कांग्रेस पार्टी कुछ घोषणाएं कर रही है, खोखली घोषणाएं नहीं है ये, और मैं आपको समझाती हूं दो मिनट में क्या है। आप छुट्टे जानवर की समस्या है, छुट्टे जानवर की समस्या सालों से चल रही है, मेरे सामने तो 3 सालों से चल रही है। जब से पिछला चुनाव था तब से मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हर मंच से कह रही हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है, इसको हल करना है। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी है इसके बारे में। आज देश के प्रधानमंत्री सर्वज्ञानी अंतर्यामी, जिनको हर चीज की संज्ञान होती है, आज वो आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सब जगह ये सबसे, छत्तीसगढ़ ये सब। सबसे खरीदेंगे आपसे गोबर का, हम गोबर गैस बनाएंगे, गोबर गैस से आपकी सुविधा होगी, गोबर का हम स्वयं सहायता समूह को देकर खाद बनवाकर स्वयं सहायता समूह से वो गोबर की बनी हुई खाद खरीदेंगे। आप छुट्टे जानवर को घर पे रखिए, देखभाल करिए, आपकी भी कमाई होगी। समस्या खत्म, समस्या खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भी यही योजना लागू करेंगे, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए थे, हम दोबारा माफ करेंगे, पूरे कर्ज माफ होंगे आपके। मेरे दुकानदार भाई जो बाजार में दुकानें खोले हुए हैं, जो कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय भी बड़ी बड़ी बिजली बिल भरने की कोशिश कर रहे थे, कर्ज लिए, जो आपका कोरोना का बकाया है बिजली बिल का, वो हम साफ करेंगे। बिजली बिल सबकी आधी हो जाएगी। आज की जो समस्या है कि बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, आप दे नहीं पा रहे हो, वो खत्म हो जाएगी। हम नौजवानों के लिए भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे, एक जॉब कैलेंडर होगा, उसमें भर्ती के लिए परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन 1-6 महीने के अंदर अंदर कैलेंडर में होगा। कोई इससे खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम कानून लाएंगे कि उस पर हम कार्रवाई लिख कर पाए। इसी तरह से मेरी बहनें, आज आप अस्पताल में जाती हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलते हैं, हम आपके लिए हर अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स ब्लॉक के स्तर पर रखना चाहते हैं। आपके लिए मोबाइल फोन मुफ्त मिलेगा जो छात्राएं हैं, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। जो छात्राएं स्कूल से आगे इंटर पढ़ना चाहें, उनके लिए स्कूटी। आपको आज 1 सिलेंडर मुफ्त में देकर कह रहे हैं ना कि एहसान कर रहे हैं आप पे, हम कह रहे हैं 3 ले लीजिए, लेकिन आप सशक्त बनिए। 40% रोजगार, सरकारी रोजगार महिलाओं के लिए हम देंगे। 25% पुलिस में भर्तियां महिलाओं की होंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर आप पर अत्याचार होगा और 10 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज नहीं होगा अपराधी के खिलाफ, तो जो अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन का कानून लाएंगे। आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। इस देश की आजादी के लिए खून पसीना कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और इस देश के किसानों ने की। इस आजादी को बचाने के लिए कांग्रेस
खड़ी रहेगी और काम करेगी। और इस आजादी का मतलब क्या था? इस आजादी का मतलब था कि इस देश का एक एक निवासी, इस देश की एक एक महिला, इस देश का एक एक नौजवान, इस देश का एक एक किसान सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़ा हो। यही होती है आजादी। जब तक आप सशक्त नहीं होगे तब तक आप आजाद नहीं होगे। और बाकी सारी पार्टियां आपकी आजादी नहीं चाहते, वो आपकी गुलामी चाहते हैं, और आपकी गुलामी धर्म और जाति के आधार पर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप गुलाम रहें ताकि वो आपके जज्बातों का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना पाए और आपकी सत्ता आपके हाथों से छीन पाए।